Good morning, friend. Welcome again in our class. We are discussing about Indian Constitution. And in last class, we saw four parts of our Constitution. We saw in first part, there is a provision of Union and States area. भारतीय संघ एवं राज्य क्षेत्र. एंड इन सेकंड पार्ट वी सा अबाउट इंडियन सिटीजनशिप. हमने भारतीय नागरिकता के बारे में देखा. एंड इन थर्ड पार्ट वी सा अबाउट फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में हमने देखा. एंड इन फोर्थ पार्ट वी सा अबाउट स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राज्य नीति निदेशक तत्व. एंड इन फोर्थ के वी सा अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज. तो ये चार भागों के बारे में हमने पिछली क्लास में देखा था. आज हम देखेंगे पार्ट फिफ्थ के बारे में. एंड अबाउट पार्ट फिफ्थ, we can say it is a big part of our constitution. ये जो भाग पांच है, ये संभवतः हमारे संविधान का सबसे बड़ा और जो पांचवा भाग है, इसमें उल्लेख किया गया है संघीय सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट. एंड यू सा अबाउट अवर गवर्नमेंट इन लास्ट क्लास, दैट देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ अवर गवर्नमेंट, थ्री ऑर्गन्स ऑफ अवर गवर्नमेंट. वन इज लेजिस्लेटिव, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशियल. एंड इन दिस पार्ट, इन दिस फिफ्थ पार्ट, वी आर सीइंग अबाउट ऑल थ्री पार्ट्स. सबसे पहले जो संघीय सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, इसमें जो टोटल आर्टिकल है वो है आर्टिकल 52 से लेके 151 तक. देखिए कितना बड़ा भाग है, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक केवल एक ही भाग है. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लगभग 100 आर्टिकल एक ही भाग है. कुछ देश ऐसे हैं जिनका संविधान पूरा का पूरा सिमट जाता है 100 आर्टिकल में, लेकिन हमारे इस पार्ट में लगभग 100 आर्टिकल हैं. इसीलिए हमने कहा था कि इट इज ए बिगेस्ट पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग है और इस भाग में आगे पांच पार्ट किए गए हैं, पांच अध्याय हैं. जो पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है, उसमें उल्लेख किया गया है कार्यपालिका के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में. इन फर्स्ट चैप्टर देयर आर डिस्क्राइब अबाउट एग्जीक्यूटिव. एंड अबाउट एग्जीक्यूटिव मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट एंड देन वी विल सी अबाउट प्राइम मिनिस्टर. जो पहला अध्याय है इसमें टोटल आर्टिकल है 52 से लेके 78 तक, और इसमें राष्ट्रपति का भी उल्लेख है, उपराष्ट्रपति का भी उल्लेख है और भारतीय प्रधानमंत्री का भी उल्लेख किया गया है. और जो उपराष्ट्रपति का पद है वो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहाँ से लिया था, अमेरिका से लिया था. दे टुक वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट फ्रॉम अमेरिका. एंड व्हाट्स अबाउट प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, दी पोस्ट जनरली कम फ्रॉम पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम था वहाँ से इन पदों को लिया गया. ब्रिटेन में वहाँ का प्रमुख राजा या रानी होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे राजा या रानी का पद क्रिएट नहीं किया गया, उसकी जगह पे क्रिएट किया गया था प्रेसिडेंट का पद. और उसी तरह से जैसे ब्रिटेन में सभी मंत्रियों का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही हमारे देश में प्रधानमंत्री के पद को क्रिएट किया गया. तो जो पहला चैप्टर है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में
काफी डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है। इन फर्स्ट चैप्टर डिटेल स्टडी अबाउट प्रेजेंट, वाइस प्रेजेंट एंड अवर पास्ट। ओके, उसके बाद जो दूसरा अध्याय है, सेकंड जो चैप्टर है, उसमें उल्लेख किया गया है इंडियन पार्लियामेंट का। इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद का उल्लेख किया गया है। और जो भारतीय संसद का उल्लेख किया गया है, उस संदर्भ में आर्टिकल में आर्टिकल 79 से लेके 122। आर्टिकल 79 टू 122 आर कंसर्निंग फ्रॉम आवर पार्लियामेंट, तो किससे संबंधित है, हमारी संसद से संबंधित है। और जो ब्रिटिश संसद पहले से विद्यमान थी और जो हमने संसद को एडॉप्ट किया है, वो लगभग हमने ब्रिटेन से एडॉप्ट किया है। जो ब्रिटिश मॉडल है, जो वहाँ पे संसदीय मॉडल है, वहाँ से हमने ब्रिटेन से एक तो संसदीय शासन लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम वी टुक फ्रॉम ब्रिटेन, एंड वी आल्सो टुक द रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन भी हमने ब्रिटेन से लिया, एंड आल्सो वी टुक विधि निर्माण प्रक्रिया लॉ मेकिंग प्रोसीजर वी आल्सो टुक फ्रॉम ब्रिटेन। ये भी हमने कहाँ से लिया था, ब्रिटेन से लिया था। तो यहाँ पे जो हमारी संसद का उल्लेख किया गया है, वो काफी डिटेल में किया गया है। एंड इन नेक्स्ट चैप्टर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेजिडेंट, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनकी जो विधायी शक्तियां हैं, उसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 में किया गया है कि राष्ट्रपति किस प्रकार से अपनी कानूनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो है संघ की न्यायपालिका, यूनियन जुडिशरी। जो हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसका उल्लेख किया गया है चैप्टर फोर्थ में किया गया है। इन फोर्थ चैप्टर दे डिस्क्राइब अबाउट यूनियन जुडिशरी, एंड टोटल आर्टिकल आर 122, 124 to 147। इन आर्टिकल्स का उल्लेख भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में किया गया है। और जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख प्रमुख बातें हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू और जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और महाभियोग की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। वी टुक फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम अमेरिका। ओके, उसके बाद जो पांचवा अध्याय है, चैप्टर 5 है, उसमें उल्लेख किया गया है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे बोला जाता है CAG CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 148 से लेके 151 तक उल्लेख किया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। और ये जो पद है, ये भी पद हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। और इसका जो मुख्य काम होता है, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है, जो फाइनेंशियली जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं, उस पर एक तरह से इनका काम होता है कंट्रोल करने का, एक तरह से नियंत्रण करने का। तो ये एक तरह से चेक एंड बैलेंस बनाए रखते हैं कि जो भारतीय सरकार जो पैसे का, आय और व्यय का जो विवरण है, किस प्रकार से कर रही है, उस पर चेक एंड बैलेंस लगाने का काम किसका होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ये काम होता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कंट्रोल फाइनेंशियल सिस्टम इन आवर इंडिया, एंड वी टुक दैट पोस्ट फ्रॉम ब्रिटेन, ये पद हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है।
तो आज का जो लेक्चर है इसमें हमने हमारी जो केंद्रीय सरकार है, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसके बारे में डिटेल से देखा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट का मतलब जो पूरा का पूरा देश को चलाने वाली सरकार है, तो जो पूरे के पूरे देश को चलाने वाली सरकार है, इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पार्ट को बहुत बड़ा बनाया है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल से उल्लेख किया गया है। और पांचवें पार्ट में कितने आगे अध्याय हैं, पांच आगे अन्य अध्यायों का, पांच अन्य चैप्टर्स का उल्लेख किया गया है और इसके बारे में हमने डिटेल में देख लिया। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम राज्य सरकारों के बारे में देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में देखेंगे। तब तक आपको जो संविधान के इंट्रोडक्शन करवाया था, संविधान के विभिन्न पार्ट्स बताए हैं, या अब तक जो पार्ट आपको बताए हैं इनके बारे में थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिए। और आप घर में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहनों के साथ भी आप अपना सहयोग बनाए। थैंक यू।